रखना क्या मेरे को ध्यान भारत के जितने भी लोग संकट में विभिन्न देशों में फंसे रहे हैं उन सब को सुरक्षित निकालने का काम और बिना कोई कैजुअल्टी हुए इसके लिए भारत ने इतिहास रचा है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम सबको पता है कि अधिकांश जगहों पर हमारे जो थल सेना अध्यक्ष थे जो अब राज्य मंत्री हैं वीके सिंह जी वहां गए मौके के ऊपर सारा समझा और उसका समाधान निकाला। भारतीयों को छोड़ने की जो घटना है वो निश्चित रूप से भारत के प्रभाव का ही प्रतीक है। ऐसी भी घटनाएं पहले होती रही हैं जबकि भारत के लोगों को सजा हुई है और बिना मतलब सजा हुई है। हम लोग सुनते आए हैं कि भारत के कितने ही लोग पाकिस्तान के जेलों में बंद रहे हैं। तो यह जो कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, इसका अर्थ है कि मोदी है तो क्यों मुमकिन है, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों का उनको साथ है। जो मोदी जी बोलते हैं उसमें भारत बोलता है और भारत की अनदेखी करना इस समय किसी के लिए भी संभव नहीं है। देखिए ये भी स्वाभाविक है, उसका कारण है कि राजस्थान की कांग्रेस ने ठेका लिया हुआ है कि जो रिटायर होने की तरफ हों, जो राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हों उनको यह दिखाना कि राजस्थान आपके पीछे खड़ा है। मनमोहन सिंह जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, मनमोहन सिंह जी राजस्थान से ही गए थे। अब सोनिया जी के ले जाने की बात हो रही है तो क्या इसका अर्थ यह है कि सोनिया जी अब चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है? नहीं, उसका अर्थ क्या है राज्यसभा का? राज्यसभा में एक व्यक्ति एक उम्मीदवार राजस्थान से जीत सकते हैं तो क्या यह मान लिया जाए कि सोनिया गांधी जी अब देश में लोकतंत्र में जनता के बूते पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है? मनमोहन सिंह जी के साथ तो ऐसा था कि वे कहीं से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे तो राजस्थान से चले गए। अब कांग्रेस को ये लगता है कि सोनिया जी भी उस स्थिति में आ चुकी हैं तो ये उनका व्यक्तिगत विषय है, लाएं सोनिया जी को। लेकिन राज्यसभा में किसी का योगदान हो सके और यह करना कि सोनिया जी चुनाव लड़के जीत के नहीं आ सकती, ये कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा के अंदर एक बड़ी बात है। देखिए दोनों आधे जादूगर हैं और आधे बाजीगर हैं। भगवंत मान जी को सब जानते हैं, जब कॉमेडियन हुआ करते थे तब भी सब जानते हैं, और जब कॉमेडियन नहीं होके राजनीति में चले गए तब बगल के सांसद कहते थे कि इनसे दूर बैठाइए क्योंकि गंध हमारे तक पहुंचती है। और अरविंद जी जिनको लोगों ने एक ठंडी हवा के झोंके की तरह से लिया था, लोगों को लगता था कि आम आदमी की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के समंदर में इतनी उनकी पार्टी डूबी हुई है इसकी कभी उम्मीद नहीं की गई थी। जो ईडी को जवाब नहीं दे सकते, जो हाजिर नहीं हो सकते, वो तो नाटकी व्यक्ति हैं, उनको दरबार लगा लेना चाहिए था कि ये मेरे ऊपर सवाल हैं, ये इसके जवाब हैं। लेकिन इनके भ्रष्टाचार का जो चेहरा है ये सामने आ रहा है। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैग्सेसे पुरस्कार लेने के लिए अरविंद केजरीवाल जी गए तो उनकी ड्रेस देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई हीरो आया हुआ है। वो नहीं थे अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने बाद में मफलर बांध लिया और अच्छे सही हो या गलत हो लेकिन केवल खांसते हुए ये सब नजर आए, शर्ट पुरानी सी पहने हुए, लेकिन धीरे धीरे चरित्र सामने आ रहा। भगवान की तो सबको जरूरत है, जो भगवान की जरूरत नहीं महसूस करते हैं उनका फिर है क्या सृष्टि में? हम तो सभी के लिए कहते हैं कि राम तेरा भला करे, कोई नहीं रहे तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है, और इनको तो भगवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब चाहते हैं और आज से नहीं, जब से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई,
तब से रगरग के अंदर बैठा हुआ है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने उत्तराखंड देवभूमि है, उन्होंने शुरुआत की है, स्वागत योग्य है। राजस्थान वीर भूमि और शौर्य भूमि है, हो भी सकता है और दूसरा नहीं तीसरा बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि एक दो तीन दिन का है। देश के अंदर समान नागरिक संहिता होगी और हमको महसूस हो रहा होगा कि सारा देश एक तरफ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा, इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।